इधर देखना, वर्ग करने का आसान विधि, ठीक है ना, वर्ग करने का आसान विधि या तरीका, या तरीका, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक लिया, ठीक है ना, कितना तक का, 30। जैसे कि हम 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 20 का पर, तो तुमने देखा इकाई अंक क्या जीरो, क्या है जीरो, तो और दहाई, इकाई दहाई, और इसको क्या करना है, इस इसमें कितने अंक, इसको मान लो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, एक मिनट देखना, ना तो ऐसे मान ए बी सी, ए पहले का देखना, ए का स्क्वायर फिर ए बी सी करना और बी बी स्क्वायर करना, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जोन करना, एक एक नंबर लेना, उधर से चलना, किधर से, इधर से, और दो नंबर में इसको करना ए बी सी, और तीन नंबर में किसको करना, ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर में किसका स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर, किसका करना, बी, बी कितना है, जीरो, तो जीरो दे दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी सी दो नंबर में क्या करेंगे, ए बी सी यानी ए बी सी दो गुना जीरो जीरो हो गया, और फिर दो से गुना किया, जीरो गुना दो जीरो, अब क्या करना, ए का स्क्वायर करना, क्या करना, ए का स्क्वायर, अरे क्या दो, दो का स्क्वायर कितना होता, चार, कितना हो गया, चार सौ, ये कितना हो गया, बीस का स्क्वायर, चार सौ। आप ले लेते हैं इक्कीस, कितना ले लेते हैं, इक्कीस, देखो फर्स्ट क्या करना, क्या करना, बी है, है ना, ये बी है, और ये क्या ए है, और ये क्या सी है, तो हमको क्या करना, फर्स्ट में क्या करना, बी का स्क्वायर करना, अरे ए का स्क्वायर कितना होता, ए का स्क्वायर कितना होता, एक होता, तो एक आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी सी यानी तीनों को गुणा कर देना है, यानी दो गुना एक कितना हुआ, दो, और दो गुना चार हो गया। अब क्या करना, एक का, एक का क्या करना, तीन नंबर में ईश्वर, यानी एक के क्या है, दो, दो का ईश्वर कितना होता, चार, यानी एक कितना हो गया, 441 हो गया, 441 हो गया। अब ले लेते हैं 22, कितना ले लेते हैं, 22 का, यानी देखना ये क्या, पहले क्या करना, बी का स्क्वायर, यानी बी के जगह क्या, दो, दो का स्क्वायर कितना होता, चार। अब इस गुना करने तीनों करेंगे, ए बी सी तीनों गुना कर, दो दुना चार, दुना आठ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता, चार, कितना आ गया, 484। अब ले लेते हैं ताश, ले लेते हैं ताश का, तीन का स्क्वायर कितना होता, नौ, नौ। अब ए बी सी तीनों गुणा कर देंगे, यानी तीन दुना छो दुना बारह हो गया, बारह के दो रख, बारह के दो बाकी कितना बचा, एक बचा, दो का वर्ग कितना होता, चार, चार एक यानी 500, कितना हो गया, 529। अब ले लेते हैं कितना, 24 का ले लेता, कितना का, 24 का लेते, 24 के कितना हो, चार का वर्ग कितना होता, 16 के बाकी चार दुना आठ दुना 16, 17 के बाकी और दो का वर्ग कितना, चार, चार एक 500। आप ले लेते हैं कितना, 25 का ले लेते हैं, 25 के बाकी 5 दुना 10 दुना 20 आतु 22, 5 दुना 10 हुआ 10 दुना 20 हुआ 25 ना देखो मिले तो 25 क्या बाकी कितना बचा, दो बचा, 5 दुना 10 दुना 20 आतु 22 के दो बाकी कितना बचा, दो दुना 4 आतु 6 कितना गया, 600।
25 आप देखना स्पीड में थोड़ा 26 के कितना 26 छह के 36 के बाकी 6 × 12 = 24 7 × 3 27 के बाकी 2 × 2 = 4 676 अब 27 लेते हैं 27 का वर्ग कितना होगा 49 का 9 बाकी 4 7 × 14 = 28 32 के 2 बाकी कितना बचा 3 2 × 4 = 8 अब आता 28 ले दो 64 के 4 बाकी 8 × 16 = 32 38 के बाकी 2 × 4 = 3 कितना आ गया 784 अब आता 29 ले लेते 9 × 81 के बाकी 9 × 18 = 36 36 × 8 = 44 44 के बाकी 2 × 4 = 4 कितना हो गया 841 अब लेते हैं 30 से बचा 0 कितना होगा 0 3 × 0 = 0 आ गया फिर 0 × 0 3 का वर्ग कितना होता 9 अब कितना आ गया आप ले लेते हैं 31 का कितना का 31 का 31 ले लेते हैं पैंतीस 36 रे 37 38 39 और 40 दिखना 31 एक का वर्ग कितना होता एक 3 एक का 3 दूना 6 3 का वर्ग कितना होता कितना हो गया 961 अब ले लेते हैं 32 का 2 × 3 × 6 × 12 के बाकी 3 × 3 = 9 कितना आ गया 1023 के ले लेते हैं कितना क्या 3 × 3 = 9 × 18 के बाकी 3 × 9 = 1 1089 आप ले लेते हैं 34 के 4 × 4 = 16 के बाकी 4 × 3 = 16 बाकी 1 4 × 3 = 12 12 × 2 = 24 25 के बाकी 2 × 3 = 9 8 = 11 अब आता कितना 35 कितना 35 25 के बाकी 3 × 5 = 15 32 के बाकी 3 × 3 = 9 12 25 कितना हो गया 12 अब आता 36 36 के बाकी बचा 3 × 6 = 18 18 × 36 और 3 कितना हो गया 39 बाकी 3 बचा 3 × 3 = 9 9 × 3 कितना 12 कितना आ गया 12 अब आता कितना 37 ले लो कितना 749 के बाकी 21 × 42 42 × 4 = 46 46 के बाकी 4 × 3 = 9 कितना 13 कितना आ गया 13 अब ले लो 38 है
38 को, अठी अठी 64 के, बाकी कितना बचा 6, 8 24 दुना 48, 48 और 6 कितना 54, 54 के 4, बाकी 5, 3 किए 9 और 5 14, कितना हो गया 14 44। अभी आता हूँ 39, 9 नमा 81, 81 के 1, बाकी कितना बचा 8 बचा, इसको गुना कर देंगे 27, 9 27, 27 दुना 54, 54 और 8 कितना 54 और 8 कितना हो गया तुमका 62 के 2, बाकी 6, 3 3 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया 15 21। अब आता है 40 का, 0 4 गुना 0 0 हो गया, अब फिर 0 से गुना करेंगे तो क्या 0, अब 4 का वर्ग 16, यानी कितना हो गया 16। अब आता 41 के ले लो, कितना 41, 41 का 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और कितना आता 50। दिखना इधर, 41 का, 41 का 1 का वर्ग कितना होता 1, 4 1 कम 4, 4 दुना 8, 8 4 का वर्ग 16, कितना हो जाएगा 16 81। अब आता 42, यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4, जो इकाई स्थान में कितना तो 4 होगा, अब इसको गुणा कर देंगे किससे 4 से गुणा करेंगे 2 से, 4 दुना 8, 8 के वो गुणा कर देंगे 2 से जो वर्ग है कितना 16, 16 के बाकी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 1 17, यानी कितना हो जाएगा 17 64, 43 का वर्ग 3 3 इसको गुणा कर 4 3 12 दुना 24 के बाकी 4 4 के 16, 8 2 कितना हो गया 18 49। अब आता 44, कितना आता 54, 4 चौके 16 का 6, 16 के 6 बाकी कितना बचा 1, 4 चौके 16 दुना 32, 33 के बाकी 4 चौके 16 और 3 19, 19 36। अब 45 के लिए कितना 45, 25 के 5, बाकी 2 बचा 4 5 20, 20 दुना 40 और 2 42 के 2 बाकी 4 4 चौके 16 और 16 4 20, यानी 20 25। हमने तो 46 के ले लिए थे, 6 6 के 36 के 6, बाकी कितना बचा 3, 6 6 के 24, 24 दुना 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 के बाकी कितना 5, 4 चौके 16, 16 5 21, यानी 21 16 हो गया। आता 47 का, कितना 47 का 49 के 9, 49 के 9 बाकी कितना बचा 4, 7 चौके 28, 28 दुना 56, 28 दुना 56, 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, 60 के कितना होता 0, बाकी कितना बचा 6 बच गया, 4 चौके 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, यानी कितना हो गया 22 और अब आता कितना 48 तुम्हारा, अठी अठी 64 के 4, बाकी 6 बच गया, 8 चौक 32, 32 दुना 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, 70 के 0, बाकी कितना बचा 7 बचा, 4 चौके 16, 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया, यानी 23 0 4। अब आता है 49, कितना आता है 49 दे देते हैं, 9 नंबर 81,
इक्यासी कितना एक बाकी आठ नौ चौके छत्तीस छत्तीस दूना बहत्तर बहत्तर आठ कितना हो गया अस्सी कितना हो गया अस्सी अस्सी के क्या होता जीरो बाकी कितना बचा आठ चार चौके सोलह सोलह आठ कितना हो गया चौबीस यानी चौबीस जीरो अब आता पचास के तो हल्का जीरो के जीरो पांच गुना जीरो जीरो हो गया फिर दूसरे गुना करेंगे जीरो अब पांच का पच्चीस इसी तरह आए ना सर।